नमस्कार बंधुगण, आपण समस्तंकु स्वागत जनाउछि आमर एही यूट्यूब चैनल रे। बंधुगण, आपण समस्तंकु पवित्र होली पर्वर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधुगण, फाल्गुन पूर्णिमा दिन होली पर्व पालन करा जाय थे। जेते बेले भी रंगर पर्व होली रे धार्मिक महत्व कथा उठे, सेते बेले सर्वप्रथमे भक्त प्रह्लाद एवं तांको पियुसी होलिकांक कथा मन को आसे। किंतु आपण जानते कि एही पर्व सहित जड़ित अन्य पौराणिक कहानी आपण जानते कि देवलोक प्रथम होली खेल विषय तो आसत जानवा से ही होली विषय किछि कथा। सारा देश में होली पूर्व दिन संध्या होलिका दहन परंपरा कहीं बेठारु केते पुरुष धरी चली आसुची। होलिका दहन परंपरार इतिहास बिहार पूर्णिया जिलार बानमखी सहित जड़ित। यह पछरे थिबा कहानी बहुत कम लोक ही जानी थांती। जदि स्थानीय लोकों कथा को विश्वास करिबा तेबे होलिका दहनर अवशिष्टांश गुड़िक आज मध्य सिकलीगढ़ धरहरा बनमनखी रही। भक्त प्रहलाद को बचाइबा पई नरसिंह से ही स्थान रे स्तंभरु अवतारित होइथिले एवं प्रहलाद उद्धार होइथिले। लक्ष्मण ऋषि कहिछन्ति जे विश्वास अनुजाई असुर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा को खुशी करिबा पई तपस्या करिथिले एवं देवता मानंकु परास्त करिथिले। लक्ष्मण ऋषि कहिछन्ति जे हिरण्यकश्यपर अत्याचार एही तीनोटी जगतरे हाहाकार सृष्टि करिथिला। तापरे भगवान विष्णु भक्त मानंकर कल्याण पई असुर राजंकर पत्नी कायदुक गर्भरे तांको अंश प्रहलादंकु पठाइथिली। भक्त प्रहलाद जन्मरु विष्णुंकर जणे भक्त थिले, जेउति पई हिरण्यकश्यप तांको निजर शत्रु बोली भाबिबा आरंभ कले। तांको पुओ को निज रास्तु हटाई हिरण्यकश्यप होलिका प्रहलाद को निरे पोड़ी देवा योजना करी। किंतु होलिका निकट एपरी एक चादर थिला जहा उपर अग्निर कौन प्रभाव पड़ नथिला। योजना अनुजाई हिरण्यकश्यप निज भौणी होलिका से ही चादर रे गुड़ाई प्रहलाद को कोल रे बसाई निया लगाई देथिले। से ही समय रे खंबरु नरसिंह अवतारित होई भक्त प्रहलाद को उद्धार करिथिले। प्रबल पवन रु होलिकार चदर उड़ी जिबारु से नियारे पोड़ी जाइथिले। संपूर्ण खबर सिकलीगढ़ धरहरा बानमनखी पूर्णिया रे अवस्थित। एहा हेउजी से ही स्थान जेउठारे होलिका दहन होइथिला। भक्त प्रहलाद उद्धार होइथिले सेबेठारु होली एही तिथि रे ही पालन करा जाय थे। तो फ्रेंड्स, एबे चलंतु आमे जानिबा प्रथम होली खेल किए खेलिथिले। होली पर्वर पुराण उभय महादेव एवं भगवान विष्णु सहित जड़ित। हरिहरपुरर पुराणर कहानी कहिछि दुनियार प्रथम होली देवदेव महादेव खेलिथिले। एही खेल रे प्रेमर देवता कामदेव एवं तांको पत्नी रति उपस्थित थिले। एही कहानी रे कुहा जाइछि जे जेतेबेले भगवान शंकर कैलासरे समाधि रे लीन थिले सेतेबेले तारकासुर को हत्या करिबा पई कामदेव एवं रति नृत्य करी शिवंकु ध्यानरु जागृत करिथिले। जेतेबेले रति ओ कामदेवंकर नृत्य रे महादेवंकर समाधि भंग होइगला भगवान शंकर कामदेव को क्रोधर निरे भस्म करते। जेतेबेले रति एने कांदिले सेतेबेले अति दयालु भगवान महादेव कामदेव को पुनः जीवन देथिले। एथिरे संतुष्ट होई रति एवं कामदेव ब्रज मंडल रे एक ब्रह्म भोजनर आयोजन करते जेउथिरे समस्त देवता एवं देवी अंशग्रहण करते।
ରତି ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାଇ ଖୁସି ମନେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ହରିହର ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦରେ ମହାଦେବ ଡମ୍ବରୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବଂଶୀ ବଜାଇଥିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ବୀଣାରୁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବସନ୍ତର ରାଗରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଇବା ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କିପରି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିବେ? ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଲି ଦିନ ଆମେ ଖେଳୁଥିବା ଅବିର ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ହୋଲିକା ଦହନର ପାଉଁଶରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ନିଜର ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।